हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक प्रिंटर आया है एप्सन का, जिसका मॉडल है L3110। इसमें हम आज आपको पिकअप रोलर इसका चेंज करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, पिकअप रोलर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रिंटर को ओपन करना है, और ओपन करने के लिए आपको जो यहाँ पे ये कवर है इसको नीचे करके, और इसमें दो स्क्रू लगे होते हैं दोनों साइड से, आप देख सकते हैं एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है। इन दोनों स्क्रू को ओपन करेंगे हम, तो सब इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों, इस तरह से दोनों स्क्रू को ओपन करने के बाद आप इस कवर जो स्कैनर को ऊपर कीजिए, और यहाँ से आपको केबल दिखेगी, एक पैनल केबल है, और इसको अपन निकाल लेंगे। स्कैनर केबल जो दोनों यहाँ से ओपन कर लेंगे, और इसको स्कैनर को इस तरह से आराम से आप बाहर से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको मैं दिखाऊंगा कि जो हमारा पिकअप रोलर, ये हमारा यहाँ पे रहता है, छोटा पिकअप रोलर नीचे रहता है और बड़ा वाला जो है वो ऊपर रहता है। तो अभी हम सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे कि इसका जो साइड का कवर है इसको भी ओपन कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं पिकअप रोलर यहाँ से ऊपर वाला जो रबर है इसका चूहे ने काट दिया है, यानी इसका पिकअप रोलर खराब हो चुका है। तो इसको हम निकाल कर चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारी जो ट्रे है, इस ट्रे को यहाँ से इस तरह से दोनों लॉक से आप निकाल लीजिए। इसमें जो स्प्रिंग रहते हैं दोनों, इनको आसानी से आप यहाँ से नीचे गिर गए हैं, तो इसको मैं उठा लेता हूँ। तो ये जो स्प्रिंग है, देख सकते हैं दो स्प्रिंग लगे रहते हैं, इनको आप अलग रख दें। और उसके बाद दोस्तों, ये ऊपर का जो पिकअप रोलर के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगा रहता है, इसको ओपन करना है। तो सबसे पहले एक साइड में यहाँ पे स्प्रिंग लगा है, इसको निकाल लेते हैं हम। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ से इसका स्प्रिंग हम निकाल लेते हैं, बहुत छोटा स्प्रिंग रहता है, तो इसको बहुत ही आराम से आप निकालें। इसके बाद दोस्तों, हम निकालेंगे जो प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है पिकअप रोलर के ऊपर, इसके लिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, तो स्क्रू को हम यहाँ से ओपन करेंगे सबसे पहले। इस स्क्रू को ओपन करने के बाद ये जो प्लास्टिक का केप है इसको साइड से थोड़ा सा आपको आगे की तरफ खिसकाना है, और इसके लिए एक लॉक रहता है आ सामने साइड, तो उसको चिमटी या किसी भी चीज़ से आप दबा के थोड़ा सा खिसका कर बाहर कर सकते हैं। ये हमने बाहर निकाल लिया है, और ये देख सकते हैं पिकअप रोलर इसके ऊपर का जो रबर है वो ऑलरेडी यहाँ से निकल चुका है, इसको काट दिया है चूहे वगैरह ने। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ से आपको ये जो पिकअप रोलर है इसमें सामने की तरफ लॉक है, तो इसको आप हाथों से या किसी भी चिमटी या प्लायर की सहायता से दबा करके यहाँ से लॉक को दबाना है। और तो दोस्तों, इस तरह से आप इसको बाहर निकाल लें, और हम इसको अब रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये जो गियर है इसको हम वापस से उसी जगह पर फिक्स करेंगे। ये हमने पिकअप रोलर लिया है, एप्सन का ओरिजिनल वाला पिकअप रोलर है दोस्तों। तो इसके लिए वापस से हम इसको यहाँ से गियर को पहले शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद ये पिकअप रोलर हम यहाँ पे इस तरीके से घुमाकर वापस लगा देंगे। लगाने के बाद हमारा जो प्लास्टिक का केप था उसको वापस से ही फिक्स करेंगे। स्क्रू से वापस से इसको टाइट कर देंगे। इसके बाद जो हमारा जो सेंसर स्प्रिंग रहता है इसको हम यहाँ से वापस से चिमटी की सहायता से लगा देंगे। अब दोस्तों, बारी है हमारी जो पेपर ट्रे लगाने की, तो इसको हम यहाँ से इस तरह से रख के दोनों स्प्रिंग इसमें फिट करके लगा देंगे।
तो दोस्तों ट्रे हमारी फिक्स हो चुकी है। इसके बाद हमारे जो स्कैनर है उसको हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आप साइड में गियर पे थोड़ा सा ग्रीस वगैरह आप इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों प्रिंटर हमारा असेंबल हो चुका है और बारी है अब इसे चेक करने की। तो सबसे पहले इसकी पावर ऑन करते हैं। हम यहाँ से पावर ऑन कर दिया है, देख सकते हैं। और इसमें हम अब चेक करेंगे कि हमारा जो प्रिंटर है सही से पेपर उठा रहा है या नहीं। तो सबसे पहले इसको पेपर लगा देते हैं हम इसमें, और यहाँ से अब हम इसमें एक आपको कॉपी करके दिखाएंगे। इसमें हम यहाँ से पेपर लगा देते हैं और चेक करते हैं कॉपी करके। तो देख सकते हैं दोस्तों प्रिंटर ने हमारा जो पेपर है बहुत ही आसानी से पिकअप कर लिया है, ये वाली हमारी कॉपी बाहर आ चुकी है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।